HDFC बैंक ने जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 यानी कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है और यहाँ पर HDFC बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट में काफी अच्छी चीजें देखने को मिली हैं। वहीं पर अगर आप HDFC बैंक के मंडे के मार्केट क्लोजिंग के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक के शेयर में अच्छी खासी रैली दिखाई दी है। अगर आप लोगों ने HDFC बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुए होंगे, और अगर आप लोगों ने HDFC बैंक के शेयर में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर आप अभी HDFC बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन इस साल की HDFC बैंक की परफॉर्मेंस कैसे रही है क्वार्टर फोर में जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में HDFC बैंक के अलग अलग फैक्टर्स पर एनालाइज करेंगे। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। HDFC बैंक के जनवरी से मार्च के क्वार्टर में जो एडवांसेस हैं वो 17% से इंक्रीज हो चुके हैं, और वहीं पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस चीज को कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन है वो 18 लाख करोड़ की निकल कर आई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी के जो एडवांसेस थे वो 13.6 लाख करोड़ के थे और इस साल के फिगर में कंपनी के जो एडवांसेस हैं वो 16 लाख तक पहुंच चुके थे, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। और वहीं पर अगर HDFC बैंक के डिपॉजिट्स की बात की जाए तो HDFC बैंक का जो डिपॉजिट है वो मार्च 2023 तक रिपोर्ट किया गया है 18.8 लाख करोड़ का, लेकिन मार्च 2022 में इस कंपनी के जो डिपॉजिट्स थे वो 15.5 लाख के आसपास थे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी को 21% का फायदा हुआ है। इसके अलावा इस बैंक के कमर्शियल और रूरल बैंकिंग में 30% तक का राइज देखने को मिला है, जो कि पिछले साल में सिर्फ 9.5% का राइज था। और अगर HDFC बैंक के कॉर्पोरेट और होलसेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है और ये बिजनेस जो है वो भी 12.5% से इंक्रीज हो चुका है। वहीं पर अगर कासा रेशियो की बात की जाए, कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। बेसिकली कासा रेशियो में ये देखा जाता है कि करंट अकाउंट के कंपैरिजन में सेविंग अकाउंट कितने हैं, क्योंकि अगर किसी भी बैंक के पास करंट अकाउंट ज्यादा होते हैं तो वहां पर उस चीज का बेनिफिट बैंक को होता है, क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट ज्यादा होंगे तो सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट रखा होता है वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 12.5% से इंक्रीज हो चुका है, लेकिन वहीं पर 31 दिसंबर 2022 यानी कि लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूएशन है निकल कर आई थी 9.6% के आसपास की। HDFC का रिटेल कासा रेशियो जो है वो 12.5% से ग्रो कर चुका है। पिछले क्वार्टर में कासा रेशियो की जो ग्रोथ है वो 7.2% के आसपास की थी और कंपनी का जो कासा रेशियो का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर वहीं पर HDFC बैंक के रेवेन्यूज की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में HDFC बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न इनकम है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप कंपनी के असेट्स को देखेंगे तो कंपनी के असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप कंपनी के लायबिलिटीज को फोकस करेंगे तब यहाँ पर इस कंपनी के लायबिलिटी की जो वैल्यूज है वो थोड़ी बहुत कम होते जा रही है, जो की कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, और HDFC बैंक इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम का सबसे मेजर बैंक है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।